मेरा चर्चा है यार, डीपीसी बना के देगा। हाय गाइस, क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कार्तिक और हम आ गए हैं मसूरी। व्यू देखो यार, दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर। पहले बताओ तो हम कहाँ दूर दूर जाते थे हिल स्टेशन के पास में, मसूरी आ जाओ यार। और हम यहाँ रुके हैं स्टर्लिंग रिजॉर्ट में। रीजन बिहाइंड यहाँ रुके हैं वो सामने आपके, इतना प्यारा व्यू है, बालकनी से निकलते ही ऐसा व्यू मिलता है तो और कहीं क्यों रुकना। अभी ना यहाँ पे आने से पहले जैसे यहाँ आए थे पूरा एकदम फॉग हो गया था। ये पत्ते नहीं दिख रहे थे यार, असम से बता रहा हूँ, वो फुटेज डालूंगा। ये पत्ते नहीं दिख रहे थे, ये फ्लो में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पत्ते दिख रहे थे मगर पत्तों के आ गया स्वेयर कुछ नहीं दिख रहा था। तो गाइस, हम यहाँ अभी पहली जगह आए हैं कैंपटी फॉल्स। यहाँ पे ऐसे लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और भार्गव भाई कह रहा है, भाई मैं जा रहा हूँ पानी में, आग लगे बस्ती में, भार्गव भाई मस्ती में। कोई ऐसा इंसान है जो जनरली मैगी नहीं खाता बट पहाड़ों पे आके मैगी खा लेता है। यहाँ माल रोड पे हमने कुछ खाने पीने का सामान पैक करवाया क्योंकि लॉकडाउन था, डाइन इन अलाउड नहीं था और हम चल रही अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब प्लान तो था क्लाउड्स एंड जाने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्लाउड्स एंड का रास्ता बंद किया हुआ था। वहाँ बाहर ही बैरिकेड्स लगे हुए थे एंड पुलिस वालों ने मना कर दिया, यहाँ नहीं जा सकते। तो हमने पूछा ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो रास्ता उन्होंने थोड़ा बताया, ऊपर जाके एक अच्छा क्लाउड्स एंड जैसी ही लोकेशन है, तो ऊपर गए तो हमको ये मिला। अब कायदे से देखा जाए तो ये जगह क्लाउड्स एंड तो नहीं थी बट बिल्कुल क्लाउड्स एंड जैसी ही जगह थी। बहुत सारी फोटोज खिंचवाई और थोड़ा माहौल को एंजॉय किया और तभी एकदम से बारिश आ गई। ये जो अभी आपने सनसेट का टाइम लैप्स देखा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना। इसको पूरा एक घंटा लग गया था रिकॉर्ड करने में। एक तरफ हमने सन को सेट होते हुए देखा और दूसरी तरफ हमने मून को राइज होते हुए देखा। पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन देखा, मजा ही आ गया। भाई साहब, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, अच्छा खासा कार्डियो हो जाता है एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। इनफैक्ट अपने रूम से रिसेप्शन तक जाने में अच्छा खासा कार्डियो हो जाता है। सो फाइनली 2-3 बार भटकने के बाद हमें अपना रूम मिल गया। चेकआउट 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 चेकआउट। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं ऋषिकेश एक दिन के लिए और मसूरी से निकले अराउंड दोपहर के आसपास एंड शाम तक यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे मसूरी जैसा वेदर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी ह्यूमिड है। ये प्रॉपर जैसे होटल्स होते वैसा नहीं है, ये टेंट बेस्ड रिजॉर्ट है एंड जिसके अंदर का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे बहुत सारे इनडोर एंड आउटडोर गेम्स अवेलेबल थे, लाइक मोनोपोली, ऊनो कार्ड्स। Thank you.
सो गाइस वर्कआउट हो चुका है, अब बस जल्दी से नहाएंगे एंड ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे गंगा जी के दर्शन करने। मैंने यहाँ वर्कआउट करते करते जस्ट नोटिस किया कि कल जब हम आए थे यहाँ पे तो वेलकम ड्रिंक के नाम पे इन्होंने आम पन्ना दिया। अभी जस्ट वर्कआउट करते करते देखा कि यहाँ सारे पेड़ जितने भी मैंने अभी आपको दिखाए ये सारे आम के हैं, कच्चे आम लटके हुए हैं। गाइस जस्ट अ सजेशन, अगर ऋषिकेश आते हो और अगर पेबल रिजॉर्ट रुकते हो तो बस हार्डली दो मिनट की नीचे वॉक है, दो मिनट की नहीं एक डेढ़ मिनट की नीचे वॉक है एंड ये नज़ारा मिलता है यार। मतलब हम यहाँ पिछले एक घंटे से बैठे हुए हैं, धूप है फिर भी मज़ा आ रहा है, बहुत पीस, अंत पीस मिल रहा है। पेबल्स के लिए यहाँ से ऐसे नीचे जाना होता है 200 मीटर एंड जो भी कोई पेबल आता है उसकी गाड़ी ऐसे यहाँ पे रोड पे पार्क होती है, जो ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कुछ जुगाड़ है, हर किसी की गाड़ी यहीं पार्क होती है जो भी यहाँ ऊपर आता है पेबल्स पे।